फाइनली रोड क्रॉस करते हुए मोबाइल खरीद के आ चुके। कहाँ था ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मोबाइल वाला में से मोबाइल खरीद लिया है। लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, मेरे नाम पे आपको मिल गया मोबाइल। मिल गया। एग्जैक्ट अभी 4 मिनट के बाद सुबह के बज जाएंगे 6। आज है 21 दिसंबर ट्यूसडे 2021। सबसे पहले बेड से उठ के लाइट करता हूँ ऑन ट्राइपॉड गोप्रो का। ये रहा गोप्रो, हेलमेट माउंट में लगा हुआ है। आज है 21 दिसंबर, यानी कि मेरा जन्म दिवस। जी हाँ, हालांकि ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाला है। सुबह में 5 बजे उठा सुसु करने के लिए, वैसे ही मॉम डैड बैठे हुए थे सोफा पे, तो मॉम डैड ने कहा कि यहाँ यहाँ यहाँ, और मुझे बुला के बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे, गले लगे पापा और ऐसे गले लगा के हैप्पी बर्थडे ये वो सब विश किया। वैसे मॉम देख लो यहाँ पे पराठे बना रही है, अभी चाय रेडी होगी। मम्मी सुबह का खाना यानी कि लंच रेडी हो गया अभी से। मॉम सुबह 4:30 बजे जग के खाना बना देती है, मतलब कि लंच तैयार कर देती है, और फिर 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं। तो सुबह सुबह में देख लो ऐसे ही भगदड़ मची रहती है। यहाँ पे पराठे सुबह में नाश्ता चाय के साथ खाएंगे। पराठे और चाय। चाय चलो ठीक है, रूटीन वहाँ तो यही होगा, वो तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आज क्यों नहीं जाने का, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो हमने आज सोचा कि यार नहीं बाहर का थोड़ा अवॉइडिंग करते, बाकी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आज कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गिफ्ट तेरे को बोला 360 का, तुझे दिखाओ क्या कर रही है। ऐसा पूछू तेरे को? तो मम्मी की स्पेशल फरमाइश थी कि नए कपड़ों में रेडी हो जाए स्कूल निकलने से पहले, तो मॉम को थोड़ा कैमरा में दिखाया जाए, बिकॉज मॉम की ये फरियाद है कि जब वो रेडी नहीं होती, जब ऐसे घर में रह के काम करने वाले कपड़े पहने होते, तभी मैं मम्मी के साइड कैमरा करता हूँ और मॉम को दिखाता हूँ। तो मॉम ने कहा है कि अभी रेडी हो चुकी हूँ, अभी कैमरा में दिखा दे मेरे को। तो गाइज देख लो, मेरी मॉम रेडी हो चुकी है अभी स्कूल जाने के लिए, चाय नाश्ता कर रही है, खुश। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और गाइज आप भी थोड़ी सी तारीफ कर देना तो मॉम खुश हो जाएगी। पापा थोड़ी सी तारीफ। सही, सही, सही। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? बढ़िया। आपकी तो पापा एज दिखने लगी, बट मॉम वैसी की वैसी लग रही है, वो तो है ना? जब शादी करके लाए थे वैसी की वैसी लग रही है, और हंस है ना? मेरी मॉम का नाम हंसा है और हंस हंस के रहती है। देखो पापा ने तो भाई आपके नाम पे ऐसे लाइन भी बना दी। हाँ, रोज बोलती है ऐसे कि रेडी हूँ तब मेरे को दिखा दिया करो, और अभी 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 बोली ना। तो गाइस सुबह सुबह हमारे घर में ऐसी भसड़ मची रहती है, मतलब हंसी मजाक ये वो सब मचा रहता है। वैसे मम्मी तू तो बहुत अच्छी लग रही है, बट सामने देख मोजे कच्छे ये वो हाथ रुमाल हैंकी वैंकी सब लटकाया हुआ है, वो भी आ गया। तो गाइस होता रहता है, ऐसी वैसी बातें चलती रहती है। वैसे हाँ घर में तो ऐसा ही होता रहता है भाई। तो आज थोड़ी सी शेविंग, मैं साइकिलिंग में निकलूंगा। हाँ पापा निकलेंगे साइकिलिंग में आज। आज भाई सब ऐसे खुद की तारीफ कर रहे हैं तो पापा क्यों पीछे रहे? जाता हूं तो पड़े। हाँ तो पापा अभी मॉम के जाने के बाद तुरंत साइकिलिंग पे निकल जाएंगे। बस और कुछ? बस बस, बस और तारीफ कोई? बस ना। हाय मैंने ना 15-20 दिन ऐसे रेस्ट किया, इसमें भी रेस्ट किया, साइकिलिंग में भी रेस्ट किया, भी नहीं की, साइकिलिंग भी नहीं की, मतलब एक्सरसाइज भी नहीं की, ऐसे वैसे सबसे ऐसे ब्रेक लिया हुआ था। तो अभी जग चुका हूँ अचानक से, बहुत अच्छी बात है, आज से अपना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। स्विफ्ट की हालत देखो एक बार, धूल 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 धूल, देख रहे हो? 2-3 दिन पहले ही मैंने बाहर वॉश करवाई थी, एकदम चमका दी थी, और अभी ये हालत हो गई है। पता नहीं इतनी सारी धूल आती कहाँ से। सो अभी आया ऑल्टो लेके चले, पापा के साथ बाहर जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहले लो आप ही चला लो।
चलिए एक बात अच्छी हो गई कि फाटक खुली हुई है ना पापा। अगर फाटक बंद होती ना भाई साहब सर दर्द है, हेडेक हो जाता है। मतलब यार 10-15 मिनट यहाँ पे रुकना पड़े तो फिर समझ जाओ। 12:15 12 बज चुके। और वैसे बताऊँ सच तो आज मैंने किसी भी क्लोज फ्रेंड को या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी मेरी बर्थडे है ये बताया नहीं था। हाँ 4-5-6-7 लोग जानते थे जो बहुत करीबी है, उनको पता था कि मेरी बर्थडे है। और किसी किसी को तो ऐसे हर साल सामने से पता चल जाता है, मतलब कि यार उनको याद ही रहती है मेरी बर्थडे, तो सामने से कॉल मैसेज आ ही जाता है। बट क्लोज फ्रेंड के अलावा जिनके मैसेज कॉल आए ना, तो उनको शायद फेसबुक नोटिफिकेशन मिली होगी कि मेरी बर्थडे है, तो वही होगा। और तो कोई नहीं हो सकता कहने वाला। के माध्यम से हाँ फेसबुक से पता चल गया, नोटिफिकेशन आई होगी उनके मोबाइल में कि भाई हिरेक्स की बर्थडे है। तो काफी सारों के मैसेज आए, स्टोरी पोस्ट की, ये वो सब कॉल आए। अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। वैसे मैं आज दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला था, बट फिर मेरे को इस बार ना पार्टी वार्टी ये वो सब नहीं करना था, तो फिर मैंने सोचा कि यार घर पे ही रहता हूँ और ऐसे शांति से दिन बिताता हूँ बस। तो यही बात है, और कोई बात नहीं है कि भाई आज पार्टी नहीं कर रहा हूँ ऐसा वैसा कुछ, तो और कोई बात नहीं है। बस यही बात है कि भाई मेरे को नहीं करनी है पार्टी ये वो सब। हाँ हाँ, और मेरी हेल्थ भी अभी अभी 2 दिन पहले ही ठीक हुई है ना। मम्मी, हाँ वही मम्मी, हम तीनों तीन घर में मॉम डैड और मैं तीनों तीन बीमार हो गए थे, तो फिर इस बार ना ऐसे मूड ऑफ था और ऐसे भी सोचा कि चलो हेल्थ इशू ना हो जाए कहीं बाहर खाने पीने जाओ ऐसा वैसा करने। तो इस वजह से आज एकदम सिंप्लीफाई तरीके से मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। सेलिब्रेट तो क्या यार, ऐसे दिन बीत रहा है बस। वैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत आज यहाँ पे लागू हो रही है, कैसे आपको बताता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हो पापा, सच है ना। तो क्या पता चलता है। मतलब किस तरह से, देखो बर्थडे मेरी है बट गिफ्ट पापा को मिलने वाला है आज। जी हाँ, मम्मी ने कहा कि बिट्टू को क्या लेना है, पापा ने कहा 360 कैमरा लेना है बिट्टू को, इंस्टा 360। तो मम्मी ने कहा कि आपको भी कुछ लेना हो तो उसी दिन ले लो, तो पापा का हो गया भाई, सावा सावा बल्ले बल्ले यही पे रखते थे पापा। हाँ सामने ही। हाँ, तो पापा ने कहा कि मोबाइल बिगड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है बिट्टू के साथ साथ आपको भी मोबाइल ला देती हूँ। तो मम्मी इस बार हमारी जो है स्पॉन्सर बनी हुई है। तो मम्मी मुझे इंस्टा 360 गिफ्ट कर रही है और पापा को मोबाइल। अभी देख लो वो रहा मोबाइल वाला, मोबाइल का स्टोर वहाँ सामने ही है, वहाँ पे जाएंगे और पापा का मोबाइल सिलेक्ट करते हैं और मोबाइल लेके आते हैं। फाइनली रोड क्रॉस करते हुए मोबाइल खरीद के आ चुके। कहाँ था ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ओ बेया दीवाना हो गया। मोबाइल वाला में से मोबाइल खरीद लिया है। लो कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो मेरे नाम पे आपको मिल गया मोबाइल। अभी सोच रहा हूँ मैं कि इंस्टा 360 मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ, मतलब यार कंफ्यूजन चल रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। वैसे पापा मोबाइल सही से आपको पसंद आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गैलेक्सी A22 5G। अच्छा है ये वाला। मम्मी क्या बात है, तूने तो मेरी बर्थडे है और पापा को गिफ्ट दे दिया। मैंने तेरे को भी बोला था। तो तू क्यों नहीं आया? अरे मैं सोचता हूँ एक बार है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना। पापा को मोबाइल है। हाँ वो मैंने लेके दिया। हाँ तो पर वो तो हमने कैमरा में पहले ही बोला है ना, पहले ही बोला कि भाई नहीं फुल आपका पैसा। तो फिर कैसे हुआ? पैसे। अच्छा मैंने बोला। अच्छा हाँ मतलब हाँ एक्चुअली हुआ ये कि मॉम जो है सुबह सुबह में ऐसे एटीएम कार्ड देना भूल गई उसका, तो पापा ने उनके एटीएम कार्ड में से पैसे कटवा लिए, तो अभी मम्मी पैसे देगी पापा को है ना। हाँ। और ये गिफ्ट तेरी ओर से पापा और मुझे। हाँ। मैं जो लूंगा है ना। चलो तेरा जब लेगा ना उस दिन तो कार्ड इसका। उस दिन मत भूल जाना है ना? और हम भूलने भी नहीं देंगे। चलो सही है गाइस, अभी खाने का वक्त हो चुका है, दादी जी को बुला लिया है ऊपर से, नीचे तो आ रही है अभी।
और यहाँ पे बैठ के अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर भाई थोड़ा आराम करना है, फिर बात की बाद में देखेंगे। थोड़ा आराम करना है फिर बाद की बाद में देखेंगे ये बोल के सो गया था। 6 बजे जगा, अच्छे वाली नींद रात दोपहर में बहुत दिनों के बाद मैंने पूरी की है, और जगने के बाद अभी रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। 7:30 बज रहे, 7:30-8 के बीच कुछ टाइम हो रहा होगा, लैपटॉप में तो टाइम भी सेट नहीं किया हुआ है तो पता नहीं चल रहा है, बट हाँ 7:30-8 के बीच अभी टाइम हो रहा होगा। सो एडिटिंग ऑलमोस्ट ये व्लॉग की मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ये क्लिप अभी शूट करके फिर एडिट कर दूंगा और फिर टाइम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल सुबह 8 बजे मेरा टारगेट है वीडियो अपलोड करने का। सो अभी कुछ और तो काम नहीं है, बस पापा और मॉम के साथ बातचीत करेंगे, खाएंगे, ये वो सब करेंगे और फिर आराम से रात को 10, 10:30, 11 बजे आसपास सो जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।